हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी कल के सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज देखो निफ्टी में अच्छा दोनों का एक तरफ का मोमेंटम देखने को मिला था। आज फरवरी है, मार्च का नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। 29 का है मंथ वाला फरवरी का तो मार्च का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो सेशन यहाँ पे नए तरीके से देखना। यहाँ पे इसमें आज यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था यहाँ पे 21,877 के आसपास का। इसी के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। पहले तो मार्केट जगजग करता था यहाँ पे, और फिर उसके बाद वापस मार्केट ने पूरा एक रेंज में रख दिया कल। मतलब जो हाई लो की रेंज थी उसी के बीच में वापस आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी। तो अपर साइड में तो अभी ये रिजेक्शन लेवल है 22,082 के आसपास का, और डाउन साइड में देखो मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे। इसके हम थोड़ा सा इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे अभी इसी के आसपास 21,940 के आसपास का। और बाकी तो ये है ही सही जगह पर, यहाँ पे इसमें कोई खास यहाँ पे है नहीं। अगर ये यहाँ पे आता तो देखो ये मल्टीपल इस जगह पर, ये देखो यहाँ हो गया सपोर्ट, ये इस जगह के आसपास सपोर्ट हो गया। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे। तो मेन जो सपोर्ट लेवल है हमें इसको इस जगह को ही कंसिडर करना है यहाँ पे, ये जगह पर इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पे SMA। और रिजेक्शन लेवल ऊपर की तरफ क्या रहता है ना, ऊपर सबसे पहला तो ये है 22,082 का, और उसके ऊपर आएगा 22,212 का। तो ये लेवल हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिजेक्शन का इसी रेंज के आसपास। ये बॉक्स की रेंज बनेंगे निफ्टी। बाकी ज्यादा कोई ऑल टाइम हाई के आसपास है मार्केट, ऐसा कोई ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है, तो ठीक है कंडीशन। बाकी ये मैंने इसमें यहाँ पे कल बोला भी था, इस जगह के आसपास ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता तो ठीक है, वरना दिक्कत करेगा मार्केट अगर इसके नीचे नेगेटिव ज्यादा। ये लेवल हमारा यहाँ पे काम करा है इसमें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी देखते हैं इसमें क्या रहता है कल का। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे इसने भी वही अच्छा खासा कैंडल्स जो बनाया था ना बीच में, दो तीन कैंडल तो काफी बड़े बड़े कैंडल्स बनाए यहाँ पे इस तरह से, ये बड़े बड़े से। तो ये कई बार स्टॉप लॉस यहाँ पे पूरा मतलब मार्केट में हिट कराए थे। नॉर्मली मोमेंटम अच्छा चला था, एक आध कैंडल नेगेटिव बनती, पूरी जो अगली कैंडल बनी ना यहाँ पे 316 पॉइंट की कैंडल बनी है। देखो आप 316 पॉइंट की कैंडल में यहाँ पे सबका मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट रहता है इसमें। यहाँ पे जो एक ही कैंडल बनी थी वही 325 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल, तो अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट रहते हैं, क्योंकि मार्केट ने नॉर्मली यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा था थोड़ा, लेकिन फिर वापस से कैंडल ने वापस से फिर रिवर्सल कर दिया। उसके बाद फिर देखो एक दफा मोमेंटम आया, तो मतलब यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस हिट हुए उनको वापस से यहाँ पे फिर वापस अप ट्रेंड में निकल गया मोमेंटम। तो यहाँ पे भी इसका जो पहला रिजेक्शन लेवल है इसके आसपास ही रहेगा यहाँ पे, जो अभी बना हुआ है मार्केट आज यहाँ पे। और इसके ऊपर अगर निकलता तो 46,474, 46,760, 47,85 ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इसके आगे के लिए। और डाउन साइड में तो अब इसको हम इस लेवल को ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस जगह के आसपास। पहला ये 45,806, उसके बाद 45,593 का फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है आपका। पर इसके यहाँ पे अगर ये फ्लो में यहाँ आता है बाई चांस, इसे इसी जगह के आसपास ओपन होता है, फिर मार्केट अगर आता है यहाँ पे एकदम से फ्लो में, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे डायरेक्ट उसमें, फिर ऐसे में शॉर्ट मत करना। फिर मतलब थोड़ा बहुत मार्केट पुल बैक करे फिर इस तरीके से आए तो वापस से इसमें शॉर्ट करना, ऐसे में थोड़ा सा सही रहेगा यहाँ पे। वरना क्या होगा ना, इतने फ्लो में आएगा तो जो यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वापस दिक्कत आ सकती है। तो जैसे मैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें आगे फिर निफ्टी के बारे में, इसको हटा देते हैं CNX फाइनेंस के बारे में। बाकी लेवल्स अगर ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं उसमें बैंक निफ्टी में, मार्केट में ही उसी के बीच में कहीं क्लोजिंग दे रहा है, तो उस हिसाब से देखो फिर निफ्टी में सेम लेवल यहाँ पे ये बना था इस जगह के आसपास। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स इसमें यहाँ पे बनाई, और उसके बाद यहाँ से इसमें रिवर्सल लिया। 20,231 का जो लेवल था हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल इमीडिएटली था इसे 20,294 का, तो इसको ब्रेक करके वापस से यहाँ आया, तो यहाँ से इसने अच्छा खासा रिवर्सल दिया। और इसमें भी वो सेम पैटर्न चल रहा है, देखो यहाँ पे इसको हम सपोर्ट लेवल को एक यहाँ पे लाते हैं इस जगह के आसपास, ठीक है। अब मार्केट जब भी आया तो ऊपर का रिजेक्शन पहला ये 20,471 का, बीच में कहीं ओपन होता है बाई चांस यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखना इससे के आसपास मार्केट कैसा रिएक्शन देता है यहाँ पे 20,405 के आसपास। बाकी मेन जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 20,357, 20,294, 20,231 ये लेवल सेम यहाँ पे चलेंगे। और अपर साइड में अगर मान लो यहाँ पे ये ब्रेक करता है ये 20,271 की लेवल, तो 20,525, 20,600, 20,651 ये लेवल वापस देखने को मिल सकता है इसमें यहाँ पे फिर निफ्टी में। तो प्राइस सेक्शन को देखो यहाँ पे उसी के बीच में यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो रेंज के लेवल से ज्यादातर चेंज नहीं करने की नीड है नहीं, यहाँ पे सेम ही लेवल चलेंगे इसमें यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।